तो बुलेटिन का आगाज करते हैं। सब तो पहला गल करते हैं अज तो शुरू होने वाले पंजाब विधानसभा के बजट इजलास की। जी हाँ, अज तो पंजाब का बजट इजलास शुरू होने जा रहा है। सरकार ते राजपाल दरमियान चल रही तकरार विचाले ये इजलास अज आखिरकार शुरू हो रहा है, जिसकी कार्रवाई सवेरे 10 बजे राजपाल के भाषण के नाल होगी। जी बिल्कुल, इस दौरान विछड़िया रूहों को जिथे सब तो पहला श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो उस तो बाद सैशन के हंगामा भरपूर रहने के आसार हो गए। विस्तार नाल चर्चा करते हैं, दिखाने इस रिपोर्ट के राही। तो राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री की तकरार दरमियान आज इजलास जड़ा है शुरू होने जा रहा है। सवेरे 10 बजे जी कार्रवाई सदन की शुरू होगी, विछड़िया रूह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उते ही सब की नज़र जी है रहने वाली है राज्यपाल के भाषण से, क्योंकि उन्होंने भाषण के नाल ही सैशन की शुरुआत होगी। हालांकि जरूर बीते दिनों में तलखी देखने को मिली थी, राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री देखा जा चुके, पर एक फुल बजट इजलास पेश किया जाना है। सैशन के हंगामा भरपूर रहने के आसार भी दसे जा रहे हैं। पंजाब की कानून व्यवस्था उत्ते विरोधियों ने हालांकि इस दौरान सरकार को घेरन की पूरी की पूरी रणनीति बनाई हुई है। 23 मार्च तो 24 मार्च तक दो हिस्सों के 8 दिन का बजट इजलास चलेगा। इस दौरान सीधे तौर पर वख-वख वर्गों के लोगों को खास तौर पर बेहद ज़्यादा उम्मीदा पड़िया हुई ने कि इस साल के बजट में वाकई बेहद कुछ खास जरूर रहेगा। काफ़ी कुछ चीज़ों से मोहर लगाई जा सकते हैं, उम्मीदा जरूर लोगों के मुलाजमान के मनों के बनिया हुई हैं। बिल्कुल, 3 मार्च तो 24 मार्च तक दो हिस्सों में 8 दिन जड़ा है यह बजट इजलास चलेगा। जे विचकार 10 मार्च में जो पंजाब का सालाना बजट पेश होना है उससे सब दिया नजर टिकिया हुई ने, भावे आम वर्ग होवे, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या किसान हो, हर कोई इस बजट से जड़ा है नज़र जरूर रखेगा। उम्मीदा सरकार तो बहुत सारिया ने जिस नाल यह बजट जड़ा है पेश किया जाना है, लेकिन इस विचकार पूरी तरह सरकार को घेरन की तैयारी भी जड़ी है वह की गई है विरोधियों वालों। सो विछड़िया रूहों को जिथे श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो उत्थे ही उस तो बाद इस मसलों से वख-वख मसलों उत्ते गलबात भी होगी, चर्चा होगी। शुक्रवार को सवेरे 10 बजे वित्त मंत्री हरपाल चीमा साल 2023-24 लई बजट पेश करेंगे। 11 मार्च को बजट से चर्चा अते वोटिंग होएगी। 22 मार्च को बजट इजलास का दूजा हिस्सा शुरू होएगा, जदों कि 24 मार्च को विधानसभा को अणमिथे समय दे लई मुलतवी करन दे नाल बजट इजलास खत्म हो जाएगा। 3 मार्च को विधानसभा का बजट सैशन शुरू होगा, गवर्नर साहब की स्पीच होगी, 6 मार्च को स्पीच ते डिबेट होगी, तो 7 को नॉन ऑफिशियल डे, 8 को होली नॉन ऑफिशियल डे दे विच भी काम होगा, मतलब पर दूसरा काम जिहड़ा रखा जाता विधानसभा के रूल्स मुताबक, जिहदे विच जिहड़े कोई एक्ट ने, कोई छोटे मोटे कोई सौदा ने, लैजिस्लेटिव बिजनेस जिहड़ा होगा। 10 मार्च को पंजाब का बजट, फुल बजट जिहड़ा पंजाब सरकार वल्लों पहली बार पेश किया जा रहा, क्योंकि पिछले साल 16 मार्च को सरकार बनी सी, तो इस करके असी फुल बजट नहीं पेश कर सके थी, 3 महीनों का असी जिहड़ा पहला एक्सटेंशन लैनी सी उच्चों, तो 11 मार्च को बजट सैटरडे या 11 मार्च पर सैटरडे चलावांगे असी,
11 मार्च में सैटरडे पर सैटरडे में चलावांगे तो बजट पर डिबेट होगी। फिर उस तो बाद 7-8 दिन का ब्रेक है क्योंकि 15-16-17-18-19-20 साढ़े G20 सम्मेलन जिहड़े पंजाब नूं मिले ने वो होणगे 22 तरीक नूं ते 24 तरीक नूं फिर दोबारा विधानसभा जिहड़ी है वो अपना काम करे। कल मुद्दियां दी करिए तां बजट इजलास दे विच सरकार दी राह हाउस अंदर आसान नज़र नहीं आ रही। सब तो वड्डा मुद्दा पंजाब दी लड़खड़ाउंदी कानून व्यवस्था दा रहेगा। विरोधी अजनाला थाने ते होए कब्जे अते उस तो बाद कारवाई ना कीते जाण ते सरकार दी नाकामी लई सवाल पुछणगे। भ्रष्टाचार दे इल्जामां विच घिरे आप विधायक अमित रतन दा ताज़ा मामला, विजय सिंगला अते फौजा सिंह सरारी ते हुण तक कोई कारवाई ना करन दे मुद्दे नूं वी उछालेगा। राजपाल नाल चल रही तलखी इजलास दे दौरान एक वड्डा मुद्दा बणिया रहेगा। मोहल्ला क्लीनिकां विच डॉक्टरां ते स्टाफ दी कमी अते नशा तस्करी वर्गे मुद्दे वी अहम रहणगे। किसानां दीआं मंगां ते वी विरोधी सरकार नूं घेरन दी कोशिश करनगे। ये सरकार अजे अपने जित तो बाहर नहीं आई, हंकारी सरकार है, ये हंकारी सरकार है और लिफाफेबाज सरकार है। ये कानून व्यवस्था तो लैके जड़ा अमृतपाल वाला इंसीडेंट है, ये सारे मुद्दों के उत्ते इस सरकार नू विधानसभा जवाब देना पेगा। किसी भी राज दे अंदर अगर विकास की कल्पना बिना अमन शांति और कानून व्यवस्था दे नहीं की जा सकती। विकास दी गल्लां ते तां ही होणगीआं जिथे अमन होएगा, शांति होएगी, भाईचारा होएगा। एक पास समिट कर रहा सी इनवेस्टर समिट, दूजे पास थाने दे अंदर पुलिस कुट खांदी पई सी। कौन आएगा या पंजाब दे अंदर इनवेस्ट कर, जिहदी हड्डी मजबूत है ना वह अपना पैसा बाहर लगा रहा पंजाब तो। यह सारिया गल्लां इन्हां नूं पुछांगे। कुल मिला के तलखी अते तकरार विचाले शुरू होण जा रहा बजट इजलास पहले दिन राजपाल दे भाषण तो लैके आखिरी दिन तक गहमा गहमी भरिया रहेगा, इस तो इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज। 10 मार्च नूं बजट पेश किया जाएगा। सब दियां नज़रां इस बजट सैशन ते टिकियां होईयां क्योंकि विरोधियों के कोल बहुत सारे मुद्दे ने जिस नूं लैके सरकार नूं घेरन दी भी पूरी तैयारी जिहड़ी है उस दे नाल ओह सैशन दे विच पहुंचणगे। रविंदर मीत साडे नाल जुड़ चुके ने। रविंदर, जिस नाल आखिरकार राजपाल अते मुख्यमंत्री दे विचाले टकरार तों बाद अज सैशन जरूर शुरू हो रहा है लेकिन उत्ते ही पूरे आसार ने कि हंगामा जरूर वेखण नूं मिलेगा। बिल्कुल राधा, अज बजट सैशन की शुरुआत होनी है तो अज बेहद खास दिन होएगा। खास दिन इस करके क्योंकि पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित अज भाषण पढ़नगे। अज पंजाब सरकार के जिहड़े किए हुए काम हैगे ने उन्होंने विधानसभा के अंदर गिणवाउणगे ते पंजाब सरकार दीआं सिफतां भी करनगे। सिफतां वह गवर्नर करनगे जिहड़े पिछले दिनों च लगातार पंजाब सरकार नूं घेरी रखे बैठे सीगे ते जिहदे करके पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई सीगी। अज बेहद खास होएगा दिन क्योंकि देखना होएगा कि पंजाब दे गवर्नर ये कहणगे कि इस स्पीच नूं पढ़िया मन्निया जावे या फिर वो स्पीच बदलदे ने या फिर पंजाब सरकार वालों दित्ती हुई स्पीच नूं ही पढ़नगे। इस ते साडी बेहद खास नज़र जिहड़ी हैगी आ उह बणी रहेगी। तां अज बेहद खास दिन रहेगा ते उस तों बाद जो स्पीच होएगी, स्पीच तों बाद कुछ समय दे लई सैशन नूं विराम दित्ता जाएगा ते 2 वजे फिर तो शुरुआत कीती जाएगी ते विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलियां दित्तियां जाणगियां। इह रहेगी अज ते पूरे दिन दी जिहड़ी कारवाई होएगी। इस तों इलावा तुसीं कहा कि विरोधी लगातार घेरन की तैयारी कर रहे हैं। अमित रतन जिहड़े कि विधायक ने उन्हां विधायक नूं जिहड़ा हैगा करप्शन के आरोपों के गिरफ़्तार किया गया, हुण हिरासत के विच ने, जुडिशल जिहड़ा हैगा भेज दिता गया उन्हां नूं। तां उन्हां दे मामले के विरोधी लगातार घेरन की कोशिश करनगे कि आखिरकार अगर जिहड़ा व्यक्ति जिहड़ा है करप्शन के आरोपों के गिरफ़्तार किया गया उसनूं पार्टी ने हाले तक बर्खास्त क्यों नहीं किया, पार्टी च क्यों नहीं कढ़िया, पार्टी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इस ते बेहद ज़्यादा नज़र साडी बणी रहेगी कि विरोधी इस मसले नूं लैके किन्ना पंजाब सरकार नूं घेरदे ने, भगवंत मान सरकार नूं घेरदे ने। इस तों इलावा फौजा सिंह सरारी जिन्हां ते आरोप लगे उस तों बाद कुर्सी तक कैबिनेट की छड़नी पई तां उह वी हाले तक पार्टी दे विच बरकरार हैगे ने, उन्हां दा पार्टी दे विचों बाहर कढ़न नूं लैके भी विरोधी पंजाब सरकार नूं घेर सकदे ने। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बेहद खास पॉइंट इस मसले के उत्ते पंजाब सरकार नूं घेर सकदे ने। विरोधी धिरां सारियां, चाहे वह अकाली दल होवे या फिर कांग्रेस होवे या BJP होवे, तमाम जिहड़ियां विरोधी धिरां हैगियां ने वह लगातार जिहड़ी है इस मसले के उत्ते तैयारी करी बैठियां ने। जी एक
होर सवाल है रविंदर, क्योंकि जिवें ही बजट इजलास का आगाज हुंदा है तां वक्-वक् जिहड़े तबके ते मुलाजम हुंदे ने उम्मीदां उहनां दे विच ज़ाहिर जिहे तौर ते बन भी जांदियां ने कि चुनी हुई सरकार है, वड्डा बहुमत दित्ता गया तां उम्मीदां बन जांदियां ने, क्योंकि वक्-वक् जिहड़े वर्ग ने पहलां ही वक्-वक् थावां ते प्रदर्शन कर चुके ने। बिल्कुल, देखो उम्मीदा तो जो इंप्लॉई है ने मुलाजम है ने उन्होंने भी है, उम्मीदा उन्होंने महिलावान भी है जिन्हों महिलावान हज़ार रुपए देने का वादा किया गया आम आदमी पार्टी सत्ता च आई सी, तो उम्मीदा तो पंजाब के लोगों है ने, लेकिन इस बजट सैशन के उम्मीदा तो किन्ना क खरा उतरदा है हरपाल चीमा वित्त मंत्री का बजट, ये देखने वाली गल होएगी। बजट 10 मार्च में जोड़ा है पेश किया जाएगा, उस तो बाद 11 मार्च में 22 मार्च 24 मार्च में इससे डिस्कशन होनी ने, बहस होनी है। तो यह तमाम चीज़ा इस बजट के खास रहनगियां, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सरकार का पहला यह पूरा बजट हैगा, जो उन्होंने मौका मिले पूरा साल समझ का कि पंजाब की जी व्यवस्था हैगी अर्थव्यवस्था हैगी किस तरह की हैगी उसमें लैके जोड़ा है ये बजट तैयार किया गया। इस पहला जो बजट तैयार किया गया उदों आम आदमी पार्टी सत्ता के आई सी, तो खास उन्होंने पता नहीं, लेकिन हूँ पंजाब की अर्थव्यवस्था का पता है, हूँ वो बजट के करते हैं, बेहद ज़्यादा ध्यान देने वाली गल होगी। जी 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 रविंदर, शुक्रिया फिलहाल की इस सारी जानकारी तौर तो लगातार इस बजट सैशन की अपडेट असी लवेंगे, जो 10 बजे कार्रवाई शुरू होएगी 11 मार्च में बजट से चर्चा से वोटिंग, क्योंकि 10 मार्च में जोड़ा है बजट जो तो पेश होएगा, 22 मार्च में बजट इजलास का दूजा हिस्सा शुरू होना है, जो कि दस दिए कि 24 मार्च में फिर अणमिथे समय लिए सदन की कार्रवाई मुलतवी किया जाएगा।